टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 5:30 हो रहा है, तो मैं बोला इतना सुबह सुबह अगर उठ गया हूँ, आज काम दिन भर उतना नहीं है, प्रेशर नहीं है, तो सुबह सुबह जिम चला जाता हूँ। लेकिन आके बाहर देखा, ये भी भीगा हुआ है मेरा स्पोर्ट्स शू और मेरा जर्सी भी भीगा हुआ है। अभी जिम जाऊँ तो जाऊँ कैसे, करूँ तो करूँ क्या। मैं बोला ठीक है छोड़, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शाम को चले जाएंगे। सो वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन, आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली। बहुत दिन के बाद ऐसा वाला धूप दिखाई दे रहा है। अभी टाइम 5:30 और 5:30 के टाइम इतना वाला धूप, क्योंकि यहाँ पे सनराइज होता है ना 4:45 हो जाता है, सो इसीलिए 5:30 6:30 बजे तक तो करकता धूप निकल जाएगा यहाँ पे, करकता धूप। बहुत दिन के बाद ऐसा वाला धूप दिखाई दिया, अभी कब तक रहेगा पता नहीं, क्योंकि यहाँ का वेदर जैसे मैं बताता हूँ अनप्रिडिक्टेबल। अभी अगर बारिश निकल गया तो सत्यानाश हो जाएगा पूरा। इम्प्रूव आ जाएगा ना वीडियो बनाने में और भी आसानी हो जाएगा। ऑर्डर तो दे दिया 1 से 4 तारीख तक आ जाएगा बोला है, लेकिन अभी तक पता नहीं कब तक आएगा। यहाँ पे देखा जाए तो समुन्द्र का सिर्फ कुछ कुछ मच्छी है, जिसमें थोड़ा सा नमक थोड़ा सा हल्दी डालने से और हल्का तेल डाल के उसको फ्राई करने से इतना अच्छा टेस्ट निकलेगा ना, मतलब कुछ मतलब मुंह से बोल नहीं सकते, खा के देखना पड़ेगा। ऑलमोस्ट तो मैं डेली वर्कआउट पे मैं जाता ही हूँ, लेकिन अभी मैं सोचा कि डेली वर्कआउट में पैसा देने से अच्छा ही इतना अच्छा जगह मेरे पास जब है तो मैं नॉर्मली वर्कआउट करके ही तो मैं चल सकता हूँ। मतलब यहाँ पे ही मैं वॉक कर लूँ 15 से 20 मिनट, यहाँ पे ही वॉक कर लूँ, थोड़ा डाइट मेंटेन कर लूँ, तो काम का मेरे को 1,000-1,500 रुपये मेरे को बेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो हम लोगों को भी चैलेंज लगाया है। अभी छोटा मोटा चैलेंज क्या होता है कि चलो मैं अगर जीत गया तो कुछ खाना वगैरह कुछ ये वगैरह ऐसा लगता है, लेकिन हम दोनों के बीच चैलेंज क्या लगा है, अगर वो मेरे से पहले वो फ्लैग पॉइंट तक अगर पहुंच गया तो उसको सिंगापुर लेके जाना है, सोचो। और मैं अगर जीत गया तो मेरे को दुबई जाने देगा, सोचो कैसा चैलेंज लगा है। चल रहा है देखो लिटरली जोर से, वो अगर जीत गया तो सिंगापुर, मतलब सोच सकते हो लेवल कहाँ का है, थिंकिंग कहाँ का है। देखो दौड़ दौड़ के आगे जा रहा है, सिर्फ इतना सा डिस्टेंस और बचा है, उसको दौड़ दौड़ के आगे जा रहा है, उसको उसको सिंगापुर जाने का इतना मन है, दौड़। अरे बाबा तुमको लेके जाऊंगा, रुको लेके जाऊंगा। व्यू जीत गया है, मेरे से नहीं हुआ, मेरे से नहीं होगा, उसको बोल दिया कि तुमको सिंगापुर लेके जाऊंगा, अभी ये ईयर ख़त्म होने दो, उसके बाद मैं देखता हूँ, लेके जाऊंगा, प्रॉमिस जब किया है तब लेके जाऊंगा, प्रॉमिस को निभाना चाहिए और ज़रूरी है। तो फिलहाल मैं एक चीज़ सोच रहा था कि एक चैलेंज मैं लेने वाला हूँ खुद के लिए, 365 डेज में व्लॉग डालने वाला हूँ, जो व्लॉग आने वाला है बंगाली में। मैं और प्यू ने डिसाइड किया, क्योंकि मेरा मैं भी बंगाली हूँ, ये भी बंगाली है, हम लोग का दोस्त फैमिली मेम्बर सभी लोग बंगाली है, सो हम लोग बंगाली में ब्लॉग बनाएंगे तो और भी अच्छा और भी कंफर्टेबल और भी एन्जॉयमेंट वाला ब्लॉग आएगा। सो इसलिए 365 डेज मैं बंगाली में ब्लॉग डालने वाला हूँ और 365 डेज मैं वर्कआउट करने वाला हूँ, तभी मेरा चैनल का नाम बॉन्ग बाइसेप्स अच्छा रहेगा। सो एक्चुअली मैं सोचा कि जब मैं इतना अच्छा इतना स्वीटेस्ट लैंग्वेज में बोल पाता हूँ और वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, तो वो लैंग्वेज में ब्लॉग क्यों नहीं बना रहा हूँ। और बेसिकली मेरा व्यू का सब लोग कंफर्टेबल है, हम दोनों कंफर्टेबल हो तो कैमरे के सामने और भी अच्छे तरीके से हम लोग कंफर्टेबल हो पाएंगे बंगाली में अगर व्लॉग बनाएंगे। सो इसीलिए मैं अभी कन्वर्ट होना चाहता हूँ। मेरे को पता है बहुत लोगों को प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि बहुत मेरा सब्सक्राइबर है जो हिंदी जानता है, बंगाली उतना अच्छे से क्लियरली नहीं जानता है। सो मैं कोशिश करूँगा कि उन लोगों को भी समझ में आए, कोशिश नहीं उन लोगों को भी समझ में आए, क्योंकि मेरे पास हर एक सब्सक्राइबर मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। सो कोशिश करूँगा सभी लोग अच्छे से मेरा ब्लॉग को एंजॉय कर पाए और ज़्यादा मेरा सब्सक्राइबर बढ़े। तो मेरे को अभी वो चीज़ ध्यान में रखना है कि मेरा हर एक सब्सक्राइबर कीमती है और मेरा सब्सक्राइबर कैसे गेन हो, कैसे बढ़ा जाए और कैसे मैं आप लोगों को एंटरटेन कर पाऊँ। जब स्टार्टिंग में 2019 में यहाँ पे आया था तो ये सब कुछ ऐसा वाला रास्ता, ऐसा बाउंड्री, ऐसा दुकान वगैरह कुछ भी नहीं था यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, सिंगल कुछ भी नहीं,
रातों रात में मेरा दोस्त लोग सब यहाँ पे हम लोग टाइम स्पेंड करते थे रात को 2 बजे 2:30 बजे, कभी ऐसा नहीं था, ऐसा एकदम भी नहीं था। अभी बहुत डेवलप हो रहा है, वो भी रॉकेट के स्पीड पे अंडमान धीरे धीरे करके डेवलप हो रहा है, और देख के बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग कोलकाता को ऑलरेडी डेवलप देखते हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई जगह को हम लोग धीरे धीरे करके डेवलप होने में देखते हैं तो अच्छा लगता है।